कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा करने वाले कोरोना वॉरियर्स बीते 109 दिनों से एकता विहार स्थित धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। इसके विरोध स्वरूप कोरोना वॉरियर्स ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को पत्र लिखा है। ये पत्र आंदोलनकारी कोरोना वॉरियर्स ने खून से लिखा है और सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग राज्यपाल से की है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन के भीतर सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई उचित आश्वासन नहीं मिलता है तो उन्हें बड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में अपनी पत्नी संग कन्या पूजन किया और विश्व कल्याण एवं शांति के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना से नौ दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं के पैर धोए। भोजन कराने के बाद उन्होंने कन्याओं के साथ थोड़ा समय भी व्यतीत किया। सीएम धामी ने नवमी के पावन पर्व पर भगवती माँ की उपासना करते हुए हवन भी किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मां सिद्धिदात्री को समर्पित महानवमी के पावन दिन पर केदारपुरम स्थित राजकीय शिशु सदन में नौ देवी स्वरूपा 9 कन्याओं की पूजा अर्चना की। मंत्री रेखा आर्या ने पहले कन्याओं के पांव पखारे और इसके बाद उन्हें चुनरी उड़ाकर माथे पर तिलक लगाया और उन्हें भोजन कराया। उन्होंने कन्या पूजन के पहले आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना की, उसके बाद माँ दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों के प्रति कन्याओं की पूजा अर्चना की और विधि विधान श्रद्धा भाव से कन्या पूजन संपन्न किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बंगाली कॉलोनी नान कमत्ता पहुंचकर दुर्गा मंदिर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर के सौंदर्यीकरण, नान कमत्ता क्षेत्र के विकास हेतु मिनी मास्टर प्लान बनाने की भी घोषणा की। मंदिर परिसर पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री को स्मृति स्वरूप दुर्गा माता की प्रतिमा भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें माँ दुर्गा के इस भव्य मंदिर का लोकार्पण कर प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पिथौरागढ़ के मुनाकोट ब्लॉक में नवमी पर्व पर सोनपट्टी का प्रसिद्ध चौपखिया मेला धूमधाम से संपन्न हुआ। मेले में हजारों लोगों ने चौमू देवता का आशीर्वाद लिया। मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक विशन सिंह चुफाल ने किया। दोपहर बाद तल्ली सियांसी से चौमू देवता का डोला उठा। डोले में बैठे डंगरिया त्रिलोक सिंह ने अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, पिथौरागढ़ विधायक मयूख मेहर, मेला कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह खड़ायत, सचिव नरेंद्र बिष्ट, प्रधान राधिका देवी सहित आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बलरामपुर हाउस नैनीताल में वेब सीरीज काफल की टीम को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि काफल के संपूर्ण पौष्टिक गुणों को समेटते हुए उत्तराखंड की वास्तविकता को वेब सीरीज में दर्शाया जा रहा है। सिनेमा समाज का दर्पण होता है जो उस क्षेत्र की गतिविधियों को फिल्म के जरिए आम जन के सम्मुख रखता है। इस दौरान विधायक सरिता आर्य, कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी वंदना, एसएसपी पीएन के साथ ही काफल वेब सीरीज के किरदार एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो ये थे आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए।